नमस्कार, मैं डॉक्टर रजत शर्मा, एक कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट जो कि हार्ट रिदम और पेसिंग डिवीजन फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से बोल रहा हूँ। ये हार्ट का फेलियर आप लोग बहुत कॉमनली सुनते होंगे। ये हार्ट का पंपिंग फंक्शन या हार्ट का मसल की डिसफंक्शन के कारण पाया जाता है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ज़्यादातर जिनको हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या हार्ट की कोई बीमारी है, जैसे कि हार्ट की नाड़ियों का बीमारी है, इसके कारण होती है। ये ज़्यादातर हार्ट का पंपिंग फंक्शन कम होने के कारण होता है, लेकिन कभी कभार हार्ट का पंपिंग फंक्शन नॉर्मल होने के बावजूद ये हार्ट फेलियर हो सकता है। ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है जब तक हम लोग इसका सही उपचार कर पाएँ। तो उसी लिए मैं गुजारिश करूँगा, मान लीजिए किसी पेशेंट को इसी तरीके का कोई सिम्टम जैसे कि सांस की तकलीफ, टायर्डनेस और कोई हार्ट की पंपिंग फंक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो ज़रूर आके संपर्क करें और उसका सही इलाज करें ताकि मरीज़ का लॉन्ग टर्म मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी हम लोग कम कर सकें। थैंक यू।